अभी तो कोई भी नहीं आया। कैसा अंधेरा हो गया, जैसे शाम हो गई होगी। लाइट्स भी जल गई। चैनल तो दोपहर के ठीक 2:45 बज रहे हैं एंड बारिश हो रही है बाहर। हाँ, फाइनली वो वाली बारिश हो रही है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। मतलब बारिश हो रही थी, आ रही थी, जा रही थी, बट आज फाइनली वो मूसलाधार वाली बारिश जिसे बोलते हैं ना, एक्चुअल में नोएडा में वही हो रही है। तो चलो, आज सबकी जो है तमन्ना पूरी हो गई। और जैसे ही बारिश होती है ना, हमारे आसपास के लोग जो होते हैं ना, सारे अपने अपनी बालकनीज में आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे चूहे होते हैं ना, सब बिल से बाहर आ गए हैं। हाँ। और उन्हीं चूहों में ये दो चूहे भी हैं जो अभी अभी बिल से बाहर आए हैं। और एक बार पता क्या हुआ, बारिश बस स्टार्ट हुई थी, ऑर्डर आ गए हैं पतिदेव के चाय बनाने के लिए, तो बस चलते हैं किचन में। वैसे तो अभी 2:45 हो रहे हैं, कोई टाइम नहीं है चाय का, लेकिन बारिश हो रही है तो किचन में चलते हैं एंड बनाते हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इसी बारिश का वेट था कि कब ऐसी बारिश होगी एंड कब हम अपनी बैल्कनी में बैठ के आराम से जो है ना अपनी चाय इंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में, चाय बना लेते हैं। अरे मैं दूध एंजॉय करना कर रहा है, बोरिंग सा दूध एंजॉय करना। अच्छा, विनाश कह रहा है हमें बोरिंग सा मिल्क एंजॉय करना पड़ेगा, पर मैं तो चाय पी सकती हूँ, मैं तो बड़ी हो गई। हाँ, वंशी का बड़ी हो गया, वंशी का चाय पी सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। पापा ने कहीं जाना ही नहीं है बेटा। मैं जाऊंगा, अगर मैं तो रुक गया तो मैं देख, तुम कल निकले और फिर कल मैं वेदू की गाड़ी में अलग से निकलूंगा। वेदांश को पापा के साथ जाना है। गैस पे चाय चढ़ा के मैं बैल्कनी को जो है थोड़ा सा क्लीन करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ पर बैठ के चाय पीनी थी। ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, बस इतनी हो जाएगी हम लोग यहाँ पर बैठ सकें। तो बस बैल्कनी क्लीन कर दी है मैंने, और इसको जो है क्लीन करते करते मेरी चाय भी बन के बिल्कुल रेडी थी। तो यहाँ पर चाय को मैं सर्व कर रही हूँ, और वंशिका जो है ना अपनी चाय का वेट कर रही है क्योंकि इसको भी चाय पीनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने कर दी है गैस ऑफ, और अब इसके पापा को चाय देने के बाद मैं और वंशिका यहाँ पर चाय पीने के लिए आ गए हैं, और साथ ही विदांश भी आ गया है मुझसे लड़ाई करने के लिए। तो किसी चीज़ में गुस्सा था तो मुझसे लड़ रहा था, तो बस यहाँ पर मैं उसी को मना रही हूँ एंड फाइनली मैंने उसको मना लिया और वो खुश हो गया। तो शाम के बज गए हैं ठीक 5:30 और बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मतलब सुहाना मौसम हो गया है, बिल्कुल अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है। एंड मुझे अभी जो है करनी है थोड़ी बहुत पैकिंग। वैसे मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, और जी हाँ, मैंने आपको नहीं बताया, मैं जाने वाली हूँ मायके में एंड अगेन जो है मैंने मायके के लिए पैकिंग कर ली है। और आप लोग सोचे होंगे अभी थोड़े टाइम पहले तो आई थी, लेकिन वही है कि रक्षाबंधन का टाइम है एंड मुझे जो है मतलब मुझे ये चांस मिला अचानक से मायके जाने का। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था कि मैं इतनी जल्दी जो है अगेन मायके जाऊंगी। मतलब हम लोग जब वापस आए थे तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर रक्षाबंधन के टाइम पे देखेंगे सिचुएशन जैसी होगी, अगर ठीक रहा सब तो चले जाएंगे, नहीं रहा तो यहीं रहूँगी। लेकिन सडनली फिर प्लान बन गया, और प्लान बना कि चलो ठीक है चलते हैं मायके। और इसके लिए जो है मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत सामान है जो मैंने नहीं रखा है, तो बस मुझे वो रखना है अभी, तो अभी वही रखूंगी थोड़ी देर में। मायके मैं जा रही हूँ भाई के साथ, क्योंकि ऐसा हुआ कि भाई को आना था दिल्ली में, क्योंकि उसका कुछ सामान है यहाँ पर जो हम मैंने आपको बताया था, हम उसके रूम पे गए थे, उसका सामान लेकर आए थे, तो बस उसको वही जो अपना सामान है ना वो वापस हरिद्वार ले जाना है। तो उसने बोला मैं आ रहा हूँ, और इतना अच्छा मौका है कि जब वो गाड़ी लेके आ ही रहा है एंड बच्चे भी जिद करने लगे कि मम्मा चलो चलो नानी के घर चलते हैं, क्योंकि होता है ना जब हम लोग वहाँ थे ना तो उनको लग रहा था कि चलो घर चलो, बोर हो गए, लेकिन अब वो यहाँ ही बोर हो गए इतने ज़्यादा कि अब वो बोल रहे नहीं दोबारा चलो। तो बस भाई आने वाला है एंड उसके साथ हम लोग चले जाएंगे, और ये नहीं जा रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो ये आएंगे हरिद्वार लेकिन थोड़े टाइम बाद आएंगे, शायद हमें लेने के लिए ये आएँ।
तो बस इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जब मैं वहाँ थी ना तो मैं बोल रही थी, अब तो मैं शशांक की शादी से पहले, शशांक मेरा भाई, उसकी शादी से पहले मायके नहीं आने वाली हूँ। लेकिन वही है ना, मायका मायका होता है। अगर आप वहाँ से आए हो ना, हफ्ते बाद आपका फिर से जाने का मन कर जाएगा। तो बस वही है, मुझे फिर से खुशी होने लगी है। और रक्षाबंधन का टाइम है तो ऑब्वियसली खुशी की तो बात है। और ऐसा होता है कि बहुत बार शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कितने रक्षाबंधन अपने मायके नहीं जा पाई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत दूर है और कुछ ना कुछ चांसेस ऐसे पड़ते थे कि मैं नहीं जा पाती थी। मैं उसके लिए राखी भेज देती थी और बहुत कम चांस मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैं वहाँ पर जाके अपने भाई को राखी पहनाऊँ। तो बस ये चांस मुझे मिल रहा है। और कभी ऐसा होता है बच्चों की स्कूल होती है तो इस वजह से नहीं जा पाते हैं, तो इतना अच्छा चांस मुझे मिल रहा था, इसको कैसे मिस कर सकती हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी पे कि मतलब मैं कुछ उदास थी कल का पोस्ट, तो उसमें कमेंट आए कि दीदी क्या हो गया, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बस हुआ कुछ नहीं था। आप बस कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो एंड आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन आप ना अंदर से टूट जाते हो उन कुछ चीज़ों के लिए। तो बस वही मेरे साथ कल हुआ था। तो मैं काफ़ी उदास थी और इसीलिए मैंने वो पोस्ट है ना जो वो कम्युनिटी पे शेयर किया। एंड आप यकीन मानिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना उन पोस्ट पे कि क्या हो गया दी, यू आर वेरी स्ट्रांग एंड काफ़ी सारे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक हिम्मत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हो ना। तो प्लीज़ इसी तरीके से जो है ना सपोर्ट आप लोग करते रहिए। तो चलिए, फ़िलहाल थोड़ी देर आई हूँ टीवी देखने के लिए आराम से, और उसके बाद जो है जाऊंगी अपनी पैकिंग वैकिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी जल्दी मुझे मायके के लिए निकलना है। और कब निकलना है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो आगे आप मेरे वीडियोस देखते रहो, आपको पता लग ही जाने वाला है। तो चलिए, आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर जो है टीवी मैंने ऑन कर लिया है एंड टीवी देखते देखते थोड़े से कपड़े थे मॉर्निंग में जो धुल के सूख चुके थे, तो बस उनको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। तो इस तरीके से जब काम करो ना तो काम फटाफट से हो जाता है एंड पता ही नहीं चलता है। तो कपड़े फटाफट से यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और सबको उनकी जगह पर मैं लगा दूँगी। और अब जो है थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं आ गई हूँ इस रूम में, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने पैकिंग नहीं किया था। और लेडीज़ का क्या सामान होता है, थोड़ी सी ज्वेलरी एंड थोड़ा मेकअप वेकअप का सामान है जो मैंने नहीं रखा था। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो इस सामान को मैं हमेशा लेट में ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सामान रख रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा बॉक्स भी इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरा एक फेस पाउडर था जो इसी के अंदर टूट चुका था और पूरा पाउडर जो है इस बॉक्स के अंदर गिर चुका था। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारा सामान क्लीन करके रख दिया है एंड जो जो मुझे ले जाना है उसको जो है मैं अपने साथ अपने बैग में रख लूँगी। तो बस यहाँ पर का जो है मेरा ऑलमोस्ट काम जो है निपट चुका है। और यहाँ देखिए मेरा बैग हो चुका है पैक एंड ये कुछ भी सामान नहीं है, अभी काफ़ी सारा सामान है जो हम लोगों के साथ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों का बैग वगैरह भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस तो इनकी चलने ही वाली हैं, तो बस वहीं पर पढ़ेंगे ये। तो थोड़ा बहुत सामान जो है यहाँ पर मैंने रखा हुआ है बाहर निकाल के। एंड अब जो है मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो दोपहर में जो है आज राजमा चावल बने थे, तो बस थोड़ी सी राजमा बची हुई थी एंड ये बिल्कुल ज़रा सी जो है तोरी है जिसको कि मैं आज ही कट करके बना लूँगी। तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा नहीं होने वाली है, ये सिर्फ़ एक कटोरी ही अगर निकल जाए मुश्किल से, क्योंकि मैं जो है ना तोरी बिल्कुल सूखी सूखी बनाती हूँ बिना आलू वालू डाले, और ये तोरी जो है ना इसी तरीके से अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है तोरी को मैं कर ले रही हूँ वॉश एंड आज जो है ना मैं कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी ये सब्ज़ी, मैं बनाऊँगी तवे पे। एंड तवे पे बनी हुई जो तोरी थी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ना कि बस यकीन मानिए, हालांकि खाने के लिए मुझे सिर्फ 2 चम्मच मिली है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो कभी कम सब्ज़ी होना तो उसको तवे पे बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। एंड मेरा ये तरीका जो है ना मैंने मम्मी से सीखा है। मम्मी ऐसी करती थी पहले कि जैसे थोड़ी सी सब्ज़ी होती थी ना तो उसको जो है ना मम्मी बिल्कुल तवे पे ही बना देती थी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह फ्राई करने के बाद थोड़ा बहुत बर्तन थे जो मैं हाथ के हाथ यहाँ पर क्लीन कर लूँगी एंड साथ ही यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटा।
रोटियों के लिए फटाफट से आटा गूंदूंगी एंड उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा देर सेट होने के लिए रख दूंगी। करीब 10-15 मिनट के अंदर जो है आटा अच्छे से सेट हो जाता है। और यहाँ पर जो है अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। तो वैसे भी ये सब काम करते करते ना खाना खाने का टाइम भी हो जाता है, तो बस यहाँ पर आटा वाटा मैंने अच्छे से गूँथ लिया है और मैं फटाफट से रोटियाँ बनाती जाऊँगी। एंड मेरे लिए हेल्प करने के लिए आएगी मेरी बेटी वंशिका, जो कि हमेशा जो है ना मेरे साथ हेल्प कराती है। एंड आज पता नहीं बच्चों को क्या शौक चढ़ा है, आज उनको घी चीनी रोल खाना है, मतलब एक रोटी पे घी लगाना है थोड़ा सा एंड उसके ऊपर चीनी डाल के खाना है। तो दोनों खुश हो गए थे आज कि आज हम घी चीनी रोल मतलब हम लोगों ने खाना है। तो बस यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना जो है दे दिया है और फटाफट से जो है मैं सारी रोटियाँ बना के रख लूँगी। और बस आज के अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। तो इतना था मेरा आज का जो व्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।